केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने हेल्थ सेक्टर में भी कई ऐलान किए हैं। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने घोषणा की, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 3 दवाओं की कस्टम ड्यूटीज घटाई जाएंगी, जिससे इन दवाओं की कीमत कम हो जाएगी। इससे कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीज को फायदा होगा। इसके अलावा बजट में कई मेडिकल उपकरणों पर भी टैक्स घटाने का ऐलान किया गया है। बजट में मेडिकल रिसर्च को लेकर भी कुछ बातों का जिक्र किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कैंसर की दवाओं के साथ एक्सरे मशीन समेत कई मेडिकल उपकरणों से कस्टम ड्यूटीज कम की जाएंगी। इससे इन मशीनों की कीमत घट सकती है। इसका फायदा लोगों को भी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च को लेकर भी सरकार ने बजट में फंड आवंटित करने की बात कही है। साथ ही फार्मा सेक्टर को बूस्ट करने के लिए भी सरकार ने बजट में कई बातों का जिक्र किया है। देखना होगा कि लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी। पहले ये कयास लगाया जा रहा था कि बजट में सरकार आयुष्मान कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है, लेकिन इसे लेकर वित्त मंत्री ने कोई ऐलान नहीं किया है। पिछले साल फरवरी में पेश किए अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने 9 से 14 साल तक की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया था और देश में ही सर्वाइकल वैक्सीन की रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फंड देने की घोषणा की थी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।